नमस्कार दोस्तों, यह है रथ यात्रा साबर श्री क्षेत्र 2019 कोरापुट में। और इसे साबर श्री क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साबरों का क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम पड़ा साबर श्री क्षेत्र। हर साल यहाँ पे रथ यात्रा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और इस बार स्पेशल ये है कि 3 रथ बनाए गए हैं यहाँ पे, और ये पहली बार है कोरापुट में 3 रथ बनाए गए हैं, इसलिए लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी खुश हैं। दूर दूर से, बहुत दूर से लोग आए हैं यहाँ पे ये देखने के लिए। खचाखच लोग भरे हुए थे और जितना मैंने अनुमान लगाया करीब 70 से 80 हज़ार लोग आए थे शायद। सारे ही भक्त भजन कीर्तन और इस खुशहाल माहौल में मग्न थे। कई सारे गांव से फोक डांसर्स भी आए थे लोक नृत्य करने के लिए। उनमें से ये भी एक डांस है, दांडिया जैसा ही कुछ कुछ लग रहा है, एग्जैक्ट नाम तो मुझे मालूम नहीं है। और इतनी खूबसूरती से ये डांस कर रहे हैं कि लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस डांस को। ये लोग भी पूरी प्रोफेशनल्स की तरह ही डांस कर रहे हैं।
और डांस की आखिर में ये श्री कृष्ण की मटका फोड़ने की जो स्टंट है वो भी दिखाए। और हर साल यहाँ पे फ्री प्रसाद सेवन की व्यवस्था भी की जाती है। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इस दिन होटल वगैरह की व्यवस्था मिलना तो मुश्किल है, इसलिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। ये एक बहुत अच्छा सोशल कदम है और इस तरह के खाने पीने की व्यवस्था से वो दिन भर यहाँ रहकर रथ यात्रा एंजॉय भी कर सकते हैं। और ये बलभद्र जी का रथ खींचना शुरू हो गया था। इसी बीच में ढेमसा डांसर्स भी आए थे और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ढेमसा डांस तो बहुत ही फेमस है। इस डांस को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और हमारे इस शहर के शहर से और राज्य से बाहर भी जाके ये लोग परफॉर्म कर चुके हैं। इस डांस को कई सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं इस डांस को।
और ये बोंडा डांसर्स है शायद, और लगभग इस एरिया का हर तरह के डांस का प्रदर्शन देखने को मिला इधर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बारिश भी हो गई थी वहाँ पे, लेकिन लोगों के मन में भक्ति की कोई कमी नहीं थी और इस रथ यात्रा की इंटरेस्ट में भी कोई कमी नहीं थी। बारिश हो या तूफान, लोगों में एक्साइटमेंट की कुछ भी कमी नहीं थी यहाँ पे। हम वहाँ YouTube पर लाइव ब्रॉडकास्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क उतना स्ट्रांग ना होने की वजह से कर नहीं पा रहे थे, और इसी बीच सुभद्रा जी के रथ को हमने मिस कर दिया था और ये आखिर में जगन्नाथ जी का रथ खींचा जा रहा है। आशा करते हैं आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। अब अगले साल का इंतज़ार है, फिर से रथ यात्रा आए और ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाए। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।